नमस्ते, रूमीज म्यूज़िक कुकिंग एंड क्राफ्ट में आपका स्वागत है। बर्थडे के टाइम पे हम लोग सोचते हैं कि कैसे डेकोरेट करें अपने हॉल को। तो हॉल को डेकोरेट करने के लिए मेरे फ्रेंड्स के बेटी का बर्थडे है, तो उसने मुझे रिक्वेस्ट किया है हॉल डेकोरेट करने के लिए। तो जो मैं डेकोरेशन कर रही हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो चलिए देख लेते हैं। सेंटर में बच्चे का खूब सारे फोटोज़ लगाने के लिए ये एक मैंने लाप शेप का बड़ा साइज़ का कार्डबोर्ड का पीस काट लिए हैं, और ये जो रेड चार्ट पेपर दिख रहे हैं इसको भी मैं उसी शेप में काट कर लूँगी पहले। अब मैंने कार्डबोर्ड के पीस के ऊपर ये रेड कलर के चार्ट पेपर चिपका दिए हैं, और अब ऐसे ये जो सॉफ्ट वाला क्रेप पेपर है तो इसको काट लेंगे। इसे ऐसे पतला स्ट्रिप्स में काट लेंगे और सेम ऐसे ही नाप के और काट लेंगे। और सुई धागा ले लिया है, अब इसे एक एक स्ट्रिप्स को खोल लेंगे और इसे ऐसे सिलाई बीच में से सेंटर में से पकड़ के और ऐसे सिलाई लगा लेंगे। ऐसे काफ़ी लंबा दूरियाँ तक बना लेंगे इसके ऊपर बॉर्डरिंग करने के लिए। पहले ये बॉर्डर बना के फिर मैं दिखाती हूँ। बॉर्डर के लिए ये मैंने पूरा बना लिए हैं, और इसको बहुत ज़्यादा हमें पास पास नहीं रखना है, थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे तो ये सुंदर लगेगा और ये काफ़ी कम पेपर में भी आपका बन जाएगा। और ऐसे आप इसे ग्लू से सेट कर देंगे, पूरा जैसे बॉर्डर करते हुए इसे सेट करेंगे। पहले ग्लू लगा लेंगे और फिर उसको सेट करेंगे। अब मैंने पूरा बॉर्डर को लगा दिया है ग्लू से, इसे सेट कर दिया है। अब इसके बीच में हम फोटोज़ लगाएंगे। अब मैंने मेरे फ्रेंड्स की बेटी अक्षिता के कुछ प्रिंटआउट फोटोज़ उसको काट करके मैंने रखे हैं। इसको ये पर अभी तक चिपका ही नहीं, सेट किया है ऐसे, और बीच में मम्मी पापा के साथ अक्षिता के फ़ोटो ऐसे मैंने रखे हैं। तो इसको आप ग्लू से सेट कर देंगे और छोटे छोटे कुछ लाभ शेप का काट के, और वो लाभ लिखा हुआ इसके बीच बीच में मैंने एक एक रख के इसको भी चिपका देंगे। अब हॉल के डेकोरेशन करेंगे, इसीलिए हमने बहुत सारा बैलून फुला लिए हैं और पीछे एक व्हाइट कलर के पर्दा लगा दिए हैं, और बैलून को जैसे दो दो व्हाइट बैलून को बांध लिया है और दो दो रेड बैलून को बांध दिए हैं, और अब ऐसे उनको ट्विस्ट कर देंगे ऐसे। तो ऐसे हमें रेड एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन में बैलून चाहिए, तो ऑलरेडी ऐसे सारे बना के रखे हुए हैं, तो अभी इसको डेकोरेट करना शुरू करेंगे। अभी बैलून्स को हमने धागे से काफ़ी सारा मतलब बैलून्स इकट्ठा बांध के धागे से यहाँ पे लगा दिया है, और ऐसे ही लंबा धागा ऊपर से नीचे तक के नाप ले लिया है, और यहाँ पे बैलून्स को ऐसे चार चार बैलून लेके और इसको ऐसे इसमें फंसा दें। धागे से बांध के मैंने चारों तरफ इसको ऐसे थोड़ा सा ऐसे करके ट्विस्ट कर दिया है, तो धागे से बांध के और इसको हमें ऐसे लगाना है, सेट करना। बेलून्स को धागे के साथ बांधते हुए एकदम नीचे तक हम लेके आए और इसको यहाँ पे
टेप से, सेलो टेप से इसे चिपका दिए हैं। सबसे ऊपर में बेलून के ऊपर मैंने एक वन लिखा हुआ प्रिंट आउट जो है उसको काट के लगा दिया है, और ये है अक्षिता के फर्स्ट बर्थडे, इसीलिए हमने ऊपर में एक नंबर वन चिपका दिया है। और जो हैप्पी बर्थडे लिखे हैं, हैप्पी बर्थडे का जो लिखा हुआ प्रिंट आउट से ही मैंने इसको काट के लगाई, और ये पेटल्स गुलाब के पेटल से जो अल्फाबेट निकाल रहे थे और उसको काट के इसके ऊपर लगा दिया है। सेंटर में मैंने जो फोटो फ्रेम बनाए उसको चिपका दिए हैं, और साइड में भी अक्षिता का नाम ये भी गुलाब के पेटल से काटा हुआ प्रिंट आउट ही है, इसको भी चिपका दिए हैं, और दोनों साइड्स में हेलो किटी का चिपका दिए हैं और थोड़ा सा बेबीज का फोटो चिपका दिए। अब बीच में एक सेंटर टेबल रख के उसके ऊपर व्हाइट कवर, व्हाइट जो टेबल क्लॉथ है उसे कवर कर दिया है। अब इसके ऊपर एक रेड क्लॉथ लगा देंगे। अब व्हाइट टेबल क्लॉथ के ऊपर एक रेड कलर के कपड़ा ऊपर से लगा दिए हैं, और इसके ऊपर डेकोरेटिव जो केक है पेपर केक उसको लगाएंगे। सेंटर टेबल के ऊपर मैंने पेपर केक रखे हैं, पेपर केक का भी वीडियो मेरा पहले से दिया हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक दे दूंगी। और कुछ ग्लासेस रखे हैं, ग्लासेस के अंदर में थोड़ा थोड़ा चावल रखे हैं, और उसके अंदर में एक एक स्कीवर्स रख के और टेप करके ये जो किटी का प्रिंट आउट किटी का फोटोज चिपका दिए हैं, और इसको स्टैंड कर दिया है चावल के अंदर, और ग्लासेस के ऊपर थोड़ा सा रिबन से डेकोरेट कर दिया है, बीच में एक हेलो किटी का जो क्ले से बना हुआ मॉडल रख दिया है। सेंटर टेबल के दोनों साइड में रखने के लिए मैंने दो छोटे साइज का टेबल को भी डेकोरेट किया है, इसको मैंने रिबन्स और थोड़ा मैट बिछा के डेकोरेट कर दिया है, और इसके ऊपर डॉल रख दिया है, तो इस डॉल का भी वीडियो मेरा पहले से दिया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक मैं दे दूंगी, ये डॉल ड्रेस कैसे मैं बनाई, तो आप देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। और नीचे भी थोड़ा सा रेड कलर के पेपर और थोड़ा सा रिबन से इसको डेकोरेट कर दिया है, तो सेंटर टेबल के दोनों साइड में ये दोनों टेबल को रख देंगे। सामने का डेकोरेशन अब बिल्कुल कंप्लीट है। हर एक पिलर के ऊपर ऐसे तीन तीन बैलून लगा दिए हैं, और उसके ऊपर भी एक एक हेलो किटी का फोटो चिपका दिए हैं। एंट्रेंस पे भी खूब सारे बैलून्स लगा के डेकोरेट कर दिए हैं। एंट्रेंस के सामने वाला दीवार पे हैप्पी बर्थडे चिपका दिए है, और खूब सारे किटीज का फोटोज काट के और चिपका दिए है। केक काटने के लिए हमने एक टेबल डेकोरेट किया है, उसके चारों तरफ से बैलून्स लगा दिए, और बीच में एक टेबल क्लॉथ बिछा के उसके ऊपर थोड़ा सा खिलौना और हेलो किटी का मॉडल रख दिया है, और चारों तरफ से वो छोटे छोटे ग्लासेस में जो स्टैंड किया हुआ किटी को लगा दिया है, तो ये केक काटने के लिए ये टेबल बिल्कुल रेडी है। सेंटर टेबल के सामने थोड़ा सा बैलून्स और लगा दिए हैं। अगर मेरी ये बर्थडे डेकोरेशन आपको पसंद आएगी तो आप इसे एक लाइक दीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और कमेंट्स दीजिएगा, और अगर मेरे वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के जो रेड बटन दिख रहे हैं उसे प्रेस करते ही बेल बटन आएगी, बेल बटन को प्रेस करते ही मैं जो न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँगी आपके पास वो नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो फ्रेंड्स आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं।